अगर आपको भी आम खाना बेहद पसंद है तो आपके लिए एक बैड न्यूज है। नींबू की तरह ही आम की पैदावार में भी कमी आई है और वो हो सकते हैं महंगे। पहले बेमौसम बारिश और अब गर्मी आम उत्पादकों के लिए मुसीबत बन रही है। आम की स्थिति बहुत गंभीर है हिसाब से। गर्मी पड़ने के कारण आम बहुत खिर रहा है। इधर इतना बड़ा हो गया आम, खुद अपने आप टपक रहा है। पानी देने के बाद भी आम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा। तो बिजलाव के कारण जो फल लगा था उसका जो डेट में जान आती है वो जान नहीं आ पाई। वो तो उसका जो भी केरी लगी थी वो भी जल चुकी है और जो कहीं की छिरी छिरी लगी है तो वो भी खिरने के कगार पे। अच्छा, कितने एकड़ में ये आप आम का बगीचा आपका? 30 से 35 एकड़ में। अच्छा, क्या कितना खर्चा आया हुआ होगा जब आपने ये पूरी तरह से खेती करने की कोशिश करी? सर, इसमें बहुत खर्चा आता है ना कि जब से मोर आता है तब से आदमी लगते हैं इसमें। पानी फेरना मेलना जब से चल रहा है 3 महीने 4 महीने होने वाले, और यानी छोटी छोटी केरी गिरती है वो भी बिनवाना पड़ती है सभी। तो मिनिमम यानी कि 10-12-15 मजदूर रोज लगते हैं। अच्छा। और उसका अमचूर होता है उसमें कोई उनकी मजदूरी नहीं निकल पाती है उसमें, मतलब बिनवाना तो पड़ती है। मान लो आम सड़ेगा नीचे पड़ा रहेगा केरी जो भी गिरी है तो बेकार लगता अपने कोई घूमना फिरना, मान लो गंदगी जैसा होता फिर वो कीड़े पड़ जाए मिल जाए तो बिनवाना पड़ता, साफ सफाई करवाना पड़ती है। अच्छा, इस बार देखने को मिल रहा है बाहर से भी आम नहीं आ रहा। हाँ, तो वो सब दूर यही हाल है कि मौसम सब दूर एक साथ ही खराब होता है, मध्य प्रदेश के अलावा वो बाहर भी। अच्छा। जब मोरों के फूल निकलने का टाइम होता है उस टाइम पानी गिर जाता है या बिजलाव हो जाता है तो मोरों के डट्ठलों पे पानी लगने से, जो केरी लगती है उस पर पानी लगने से मोर निकलता है छोटा, उस टाइम पानी गिरने से मोर खराब हो जाता है। इस बार आम की कमी है मतलब? हाँ, आम की कमी तो बहुत है इस साल। गिरावट है आम की? हद से ज्यादा गिरावट है, अगले साल से बहुत ज्यादा गिरावट है। जो महंगाई का असर कहीं ना कहीं आम पे भी दिखाई देगा, क्योंकि कुछ अब आम बिकेंगे तो महंगाई का तो महंगाई तो रहेगी। जब आदमी आम आदमी जो मजदूर लगा रहा है उनकी मजदूरी निकालेगा नहीं, महंगी जगह महंगा तो उनको भी कहाँ से देगा, बगीचे वाले को कहाँ से देगा वो। मान लो कोई बगीचा लेता भी है, मान लो महंगा नहीं बेचेगा तो क्या करेगा वो। तो बस अब उम्मीद ही कर सकते हैं कि नींबू की तरह आम के भी दर्शन दुर्लभ ना हो जाए।